Hello everyone, welcome back to my channel. So today in this video we are going to discuss that which medical test will happen in the MNS 2023 medical exam, because there are several medical tests that will happen in the MNS 2023 medical exam. Because medical examination in the MNS 2023 will play a major role, because medical fitness is the most important and the crucial factor in the selection of the candidate in the final merit list of MNS 2023. So today we are going to discuss all those medical tests that will happen in MNS 2023 medical examination. So let's just start. And the very first test is your blood test. The blood test in which they will check your hemoglobin level and your proteins, WBC counts, platelets. So it is very, very essential to keep your blood pure and at a parameter that they have given, that female's blood should be at least 12 point and male should be 14. तो मेल से हमें कुछ लेना देना नहीं है, बट आपका एटलीस्ट 12 point होना चाहिए हीमोग्लोबिन का. दैट शुड बी एटलीस्ट, मतलब लीस्ट तो इतना होना ही चाहिए, ठीक है. इतने इससे ऊपर आपका कितना भी हो सकता है. इन द टेस्ट सेकेंड इज यूरिन टेस्ट. दे विल टेस्ट योर यूरिन. दे विल गिव यू अ स्मॉल लाइक डब्बा टाइप में, छोटी सी डिब्बी होती है उसको देते हैं, जिसमें आपको अपने यूरिन का सीमेन देना होता है, जिसको वो टेस्ट करते हैं, जिसमें आपके वो जितने भी प्रोटीन्स वगैरह होते हैं या फिर जो भी, मतलब उनके अकॉर्डिंग जो भी पैरामीटर्स होंगे यूरिन टेस्ट के, वो उसको चेक करेंगे. एंड दे विल गिव यू द देन दे विल गिव यू द रिजल्ट दैट यू आर फिट फॉर बाय द यूरिन और नॉट. बिकॉज यूरिन में तो मोस्टली सब लोगों का फिट ही आता है, इतना कुछ होता नहीं है. हार्मोनल इशूज़ की वगैरह से अगर उन्हें कुछ, मतलब ऐसा कुछ उन्होंने डिसाइड किया हो, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है. देन थर्ड इज़ ईयर टेस्ट. दे विल चेक योर ईयर्स, राइट. सो मतलब आपको प्रॉपर सुनाई देता है कि नहीं. एंड द थर्ड टेस्ट इज़ योर ईयर टेस्ट. द ईयर टेस्ट इज सेम लाइक दे विल टेक यू इन अ रूम एंड एट वर्ड कॉर्नर दे विल देमसेल्फ स्टैंड देयर एंड इन एट द अदर एंड द अपोजिट कॉर्नर दे विल स्टैंड यू एंड सम काइंड ऑफ फुसफुसाहट जो बोलते हैं ना, उस तरीके से कुछ वर्ड्स को बोलेंगे. और एक ऑफिसर आपके कान के ऊपर पेपर रख के उसको, मतलब उसमें कुछ ना कुछ, मतलब राइट वगैरह कर रहे होंगे या फिर कुछ कर रहे होंगे, आपको वो जो वर्ड्स बोलेंगे ना सेकंड ऑफिसर, आपको उनको रिकॉग्नाइज करना है, वो भी सही. अगर आप सही करते हैं तो कोई बात नहीं है. सेकंड, वो आपके कान की ईयरबैग्स चेक करते हैं, तो कान को क्लियर वगैरह करके जाइएगा. ईयरबैग्स वगैरह मतलब कॉटन से उसको रिमूव करके कान को क्लीन करके तभी जाना, ठीक है. तो ईयर टेस्ट में इतना ही होता है. नेक्स्ट इज आई टेस्ट. आई टेस्ट में वही सेम आपका, मतलब मोस्टली आई टेस्ट बताइए कि क्या करते हैं स्टेट. वो आपको स्क्रीन पर कुछ अल्फ़ाबेट्स दिखाते हैं, अगर आप उनको नॉर्मली मतलब विदाउट स्पेक्ट और ढंग से पहचान लेते हैं तो कोई बात नहीं है, आप मेडिकली फिट हैं. अदरवाइज अगर वो फिर आपको अगर क्लियर नहीं दिखता है, तो वो लेंसेज लगा के चेक करते हैं. और आपका अगर -3.5 से अबव आता है, तो फिर आपको मेडिकल रिजेक्शन मिलता है. अगर -3.5 से नीचे है, तो आपको वो मेडिकली फिट कर देते हैं, ठीक. नेक्स्ट इज एक्सरे टेस्ट. आफ्टर ऑल दिस फोर टेस्ट दे विल टेक यू एट द एक्सरे, मतलब रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, एंड वहाँ पर आपका एक्सरे टेस्ट होता है. एक्सरे टेस्ट के बाद में मतलब वही वो पूरा जो स्केलेटन वगैरह उनका जो प्रोसेस होता है वो चेक करते हैं. देन फिर आता है ECG का टेस्ट. ECG में मतलब वो आपके हार्ट बीट वगैरह, इको वगैरह, मतलब इको कार्डियोग्राम, मतलब सब इको सब टेस्ट कर चेक करेंगे. उसके बाद में मतलब जब ECG का टेस्ट चल रहा होता है, तो वहाँ जो ऑफिसर MNS ऑफिसर ही टेस्ट कराती हैं, तो वो कोई एक गाना वगैरह प्ले कर देती हैं, जिसमें मतलब आपकी हार्ट बीट मतलब नर्वसनेस की वजह से हाई ना हो. मतलब बहुत सारे बच्चों की हो जाती है, 4-4, 5-5 कराने के बाद भी मतलब उनका होता नहीं है. मैक्सिमम 2 या 3 बार ही वो करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार. फिर वो अगर तब भी उस दिन नॉर्मल नहीं आता है, तो वो सेकंड डे आपको कराएंगे ECG. फिर नॉर्मल अगर नहीं आता है, तो फिर वो आपको मतलब रीअपील करना पड़ता है. फिर वो आपको मेडिकली अनफिट कर देते हैं, अगर 2 बार में भी आपका ECG नॉर्मल नहीं आता है. बिकॉज ECG में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नर्वसनेस हो जाती है ना, तो वहाँ बहुत से बच्चों की हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल नहीं आती है, ठीक है. तो मतलब उस टाइम पर अपने आपको काम रखने की कोशिश करना. नेक्स्ट इज अल्ट्रासाउंड टेस्ट. तो फिर अल्ट्रासाउंड होता है, ये सारे टेस्ट उसी दिन एक पहले वाले दिन ही होते हैं, आपके CVT और इंटरव्यू के साथ में, ठीक है. अल्ट्रासाउंड के लिए आपको कुछ खा के नहीं जाना है, हल्का फुल्का कुछ खा सकते हैं, अदरवाइज मत खाना. अल्ट्रासाउंड के लिए उस दिन एक दिन मतलब नहीं खाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो अल्ट्रासाउंड के लिए खाना मत, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना, ठीक है. नेक्स्ट इज गायनो. गायनो में वो कुछ नहीं कराते हैं, जस्ट वो एक मतलब एक जो भी होती हैं डॉक्टर, वो मतलब लेडीज़ ही होती हैं, वो आप गायनो करती हैं. गायनो में मतलब मोस्टली कुछ नहीं होता है, जस्ट वो गायनो मोस्टली एक मतलब लेडीज़ डॉक्टर ही होती हैं, तो वो ऑफिसर जो होती हैं वो लेडीज़ ही होती हैं और वो डॉक्टर होती हैं. तो गायनो में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, वो कुछ नॉर्मल सी चीज़ें चेक करती हैं, एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल. मतलब कैसा होगा कैसा होगा, तो मतलब थोड़ी सी जिस
हिचकिचाहट बोल सकते हैं कि लोगों में, बच्चों में होती है वहाँ पे, वो मत रखना, बहुत ही नॉर्मल से होता है, इतना कुछ मतलब वैसा नहीं होता है। नेक्स्ट इज़ हाइट एंड वेट टेस्ट, ये सेकेंड डे होता है। जितने भी मैंने अभी बोले कि मतलब ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ECG, अल्ट्रासाउंड, गायनो एंड और क्या था, ENT एंड आई टेस्ट, ये सारे के टेस्ट, सारे टेस्ट होते हैं फर्स्ट डे। सेकेंड डे होता है आपका हाइट एंड वेट टेस्ट। अपना आपकी जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, ठीक है। उससे अगर ज़्यादा होता है 3-4 किलो तक तो वो कुछ नहीं करते हैं, मतलब आपको मरने के लिए फिट करते हैं। बट अगर 5-6 किलो या 7-8 किलो जाता है, अगर ओवरवेट आपके हाइट के अकॉर्डिंग, तो फिर वो आपको मेडिकली अनफिट कर देते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर टेस्ट, वो वहीं पर होता है। जब आपका हाइट एंड वेट वाला टेस्ट चल रहा होता है तब वो चेक करते हैं आपका कि ब्लड प्रेशर, आपको कहीं BP वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो वहाँ पर चेक करते हैं नॉर्मली, तो वो वहाँ पर होता है। नेक्स्ट इज सर्जिकल, सर्जिकल सेकेंड डे ही होता है, ठीक है। सर्जिकल होगा हाइट एंड वेट के होने के बाद में, सर्जिकल में वो देखेंगे कि आपका कोई ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ है, ठीक है। और सर्जिकल में वो आपका देखेंगे कि आपका कोई ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ है, मार्क्स वगैरह चेक करते हैं। एंड आफ्टर द ऑपरेशन मार्क्स दे विल चेक योर पाइल्स, कि आपको पाइल्स तो नहीं है, एंड या दे विल चेक योर मतलब कि आपका नोकनी तो नहीं है, वो सर्जिकल में ही चेक करते हैं कि नोकनी वाला। एंड एल्बोज वगैरह चेक करते हैं वो, मतलब आप अटैच करवा के, ठीक है। फिर मूवमेंट्स कराते हैं हाथ पैर के, आपको बैंड कराते हैं पूरा, मतलब टोटली, कि आपके हैंड्स, आपके फोर जो थंब है ना, पैर का थंब, उसको प्रॉपर टच करना चाहिए। वो कम से कम एक मिनट के लिए, एक मिनट से ज़्यादा भी वो आपको बैंड करा के रख सकते हैं, मतलब कंटिन्यूसली आपको बोलेंगे कि पैर के थंब को टच करो। एंड वो आपको एक बार टच करके छोड़ना नहीं है, वो करते रहना है, कंटिन्यू रखना है, कम से कम एटलीस्ट 1 मिनट के लिए तो रहना ही है। फिर वो आपको बोलेंगे कि मतलब अपने पंजों पर, जो पैर के पंजे होते हैं ना, मतलब थंब, उन पर आपको जंप करना है, मतलब पूरा पैर नहीं ज़मीन से टच करना है, पूरे सिर्फ पंजे पंजे टच कराने हैं और आपको जंप करना है। मतलब जो ओवरवेट वाले बच्चे होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो उनको मतलब लास्ट ईयर उनको आई थिंक 2 को रिजेक्शन मिला था इसमें, सर्जिकल वाले में, ठीक है। और कोई भी मतलब एक्स्ट्रा बोन वगैरह नहीं होनी चाहिए आपकी बॉडी में, तो ये सब सर्जिकल में होता है। फिर देन नेक्स्ट इज सो दीज वर द टोटल मेडिकल टेस्ट दैट विल हैपन इन योर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ MNS 2023। एंड सो मेक श्योर दैट इन ऑल दिस टेस्ट यू विल बी मेडिकली फिट, बिकॉज मेडिकल फिटनेस इज द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर। एंड इफ यू आर मेडिकली अनफिट, इट डजेंट मैटर हाउ मच यू आर स्कोरिंग इन योर नीट एंड इन योर CBT एंड इंटरव्यू, बट इफ यू आर मेडिकली अनफिट दैट देवर विल बी ऑफ नो यूज। सो मेक श्योर दैट यू आर मेडिकली फिट, ओके। सो दीज वर द मेडिकल टेस्ट एंड आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। So please like, share and subscribe my channel for the more information. And if you want any other video, then let me know in the comment section. I will try to explain all your doubts. So thank you for watching this.